हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंपलीफाई एजुकेशन। इस चैनल पर तुहानू मिलेंगे पीएस टेट मास्टर कैडर ते प्राइमरी टीचर्स भर्ती नाल रिलेटेड इंपोर्टेंट नोट्स। तो ये सारे नोट्स तुसी चैनल की प्लेलिस्ट दे विच जाके वेख सकते हो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जाके भी तुसी ये नोट्स वेख सकते हो। बाकी आने वाले समय के असी तुहानू स्टडी नाल रिलेटेड रैगूलर वीडियोज़ प्रोवाइड करांगे। अज की वीडियो में डिस्कस करांगे जो मास्टर कैडर ते ईटीटी टीचर्स लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। इन वैकेंसीज के संबंध में जो कैंडीडेट्स ने फॉर्म फिल किए हुए हैं तो बहुत सारे कैंडीडेट्स वालों बोर्ड को प्रति बेनती भेजी गई सन कि उन्होंने फॉर्म्स के करैक्शनस लड़िंदियां हैं। तो इस तो बाद बोर्ड वालों करैक्शनस लिए समा भी दिता गया है तो हुण वो करैक्शनस कीतियां जा सकती हैं। तो हुण वो करैक्शनस का समा चल रहा है तो बहुत सारे कैंडीडेट्स वालों कमेंट्स आ रहे हैं कि वो करैक्शनस किस तरह कीतियां जा सकती हैं। तो कई कैंडीडेट्स ये भी पूछ रहे हैं कि फॉर्म नू अप्रूव किवें करना है। तो अज की वीडियो में असी तुहानू पूरा लॉगिन करके दिखावांगे कि किस तरह करैक्शनस करनियां हन ते फॉर्म नू अप्रूव किस तरह करना है। सब तो पहला देखते हैं जी मास्टर कैडर दी करैक्शनस लई, ते उस तो बाद देखांगे ईटीटी टीचर्स लई जो असामियां आईयां हन उहदे विच करैक्शनस किस तरह करनियां हन। सब तो पहला चलते हैं जी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ते, उस तो बाद मास्टर कैडर रिक्रूटमेंट दे लिंक ते क्लिक करना है। इत्थे राइट साइड ते तुसी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ते पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। ये जो फॉर्म फिल किया है ये स्टार्टिंग दे विच जदों पोस्टां आईयां सन काफ़ी समा पहला दा फॉर्म फिल किया होया है। इत्थे भी शो हो रहा है फिल्ड बट नॉट अप्रूवड। इस फॉर्म नूं कंप्लीट करन लई जस्ट जरनल प्रोफाइल ते क्लिक करना है। जरनल प्रोफाइल खुलन ते तुसी अपनी डिटेल्स चैक कर लेनियां हन। साढ़े इस फॉर्म दे विच कोई भी गलती नहीं है, जेकर तुहानू कोई गलती लगती है तुसी ठीक भी कर सकते हो। तो उस गलती नूं ठीक करन तो बाद अपडेट ते क्लिक करना है। उस तो बाद नैक्सट अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर ते क्लिक करना है। इत्थे नीचे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही, जेकर तुसी कोई चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। साढ़े फोटो ते सिग्नेचर ठीक हैं। उस तो बाद क्लिक करना है अपलाई हेयर ते। अपलाई हेयर ते क्लिक करन ते तुसी देख सकते हो इत्थे लिखा आ रहा है फिल्ड बट नॉट अप्रूवड। तो तुसी उस तो बाद क्लिक करना है फिल एप्लीकेशन फॉर्म ते। उस तो बाद इस वाले फॉर्म ते पहुँच जावांगे। इत्थे ऑप्शन आ रहा है आरजू सिक्ख्या प्रोवाइडर वॉलंटियर वर्किंग अंडर SSA। तो असी जिहड़ा इह फॉर्म फिल किया है इहदे विच सिक्ख्या प्रोवाइडर नहीं हाँ तो नो ते क्लिक किया है। जेकर तुसी सिक्ख्या प्रोवाइडर हो तो जस ते क्लिक करके पूरी डिटेल्स फिल करनिया है, वो भी असी तुहानू जस ते क्लिक करके दिखावांगे। एक बार इस फॉर्म नू अपडेट कर देंदे हाँ। इस फॉर्म दे विच सिक्ख्या प्रोवाइडर नहीं हाँ नो ते क्लिक करके ते अपडेट कर देंदे हाँ। उस तो बाद एक बार फिर दोबारा फिल एप्लीकेशन फॉर्म ते क्लिक करना पवेगा। पहला इत्थे कल्ला अपडेट दा ऑप्शन आया सी, अपडेट करन तो बाद हुण लॉक माई एप्लीकेशन फॉर्म दा भी ऑप्शन आ रहा है। सारिया डिटेल साड़ियाँ सही ने, हुण इत्थे टिक करके लॉक माई एप्लीकेशन फॉर्म कर देवांगे। सारे कॉलम ग्रीन हो चुके हैं। एप्लीकेशन स्टेटस दे विच प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म दा ऑप्शन आ रहा है, इत्थे तुसी अपना कन्फर्मेशन पेज प्रिंट कर लेना है। आओ असी हुण तुहानू सिक्ख्या प्रोवाइडर लई जो ऑप्शनस आ रहे हैं वह भी दिखा दिंदे हाँ। ये वाला फॉर्म जो एज आ वॉलंटियर फिल किया गया है वह वाला ओपन कर रखा है। ये फिल एप्लीकेशन फॉर्म ते क्लिक करते हाँ तो जो कैंडीडेट्स सिक्ख्या प्रोवाइडर हैं उन्होंने सिक्ख्या प्रोवाइडर वाले कॉलम ते जैस रखना है। दूसरे फॉर्म ते लिखा आ रहा है आरजू एग्जाम्प्टड फ्रॉम PS टेट अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन डेटड 12/10/2020। तो इतने है कि तुहानू PS टेट तो छोड़ दिती गई है। जेकर तुसी सिक्ख्या प्रोवाइडर हो तो तुहाडा PS टेट पास है तो तुसी नो ही रखोगे ते नीचे PS टेट दीयां डिटेल्स फिल कर देवोंगे। पर जेकर तुहाडा PS टेट पास नहीं है तो तुसी उपर कॉलम ते जैस क्लिक करोगे कि तुहानू छोट चाहीदी है, तो छोट ते जैस क्लिक करनगे तो नीचे तुसी देखोगे PS टेट 2 दीयां जो डिटेल्स हन वो हट जाणगीयां। पर जेकर तुहाडा PS टेट क्लीयर है तो तुसी इत्थे नो रखोगे तो हेठां डिटेल्स भर दोगे।
पर इस कैंडीडेट्स को पी एस टैट पास नहीं सन, इसलिए छूट लेना चाहते हैं। जैसते क्लिक करते नीचे पी एस टैट डिटेल्स हट चुकी ने। उस तो बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ सिक्ख्या प्रोवाइडर वो फिल करनी है। यूज़ अपॉइंटमेंट लैटर एज सिक्ख्या प्रोवाइडर वॉलंटियर। उस तो बाद जो अपॉइंटमेंट लैटर है उसनों तुसी अपलोड कर देना है। तो उस तो बाद अपडेट करना है। अपडेट करने तो बाद फार्म लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, उस फॉर्म नू लॉक भी कर देना है। फार्म लॉक करने तो बाद तुसी कन्फर्मेशन पेज नू जरूर प्रिंट कर लेना है। इस तरह ही जिन्हें कैंडीडेट्स ने ETT टीचर्स लिए फार्म फिल किया है वो भी इस तरह अपन करैक्शन से फार्म नू अपरूव कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय के इन टीचर्स वैकेंसीज न रिलेटड, इन वैकेंसीज लिए होने वाले एग्जाम न रिलेटड जिमें जिमें अपडेट्स निकल के आनगियां वो सारिया अपडेट्स असी रैगूलर थोड़े तक पहुँचाते रहेंगे। तो इन अपडेट्स का नोटिफिकेशन पाने चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लेना जी।